तो फ्रेंड्स अभी निकलने की तैयारी, बस नमाज हो गई है, नमाज पढ़ ली अभी। और मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, सिर्फ मैंने काजल लगाया है और हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, बस डन। तो बस अब जो है अपना विंटर कवर कर लेते हैं, मीन्स जैकेट वैकेट जो भी है डबल डबल, क्योंकि स्कूटी पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड बहुत ज़्यादा लगती है जब चलते हैं, तो इसलिए मैंने कैप कूप अपना ग्लव्स और जैकेट्स, मीन्स मैं कुछ तीन चार जो है गर्म चीज़ें मैं पहनने वाली हूँ, और उसके बाद ग्लव्स होंगी, कैप्स होंगी, क्योंकि हवा इतनी चलती है ना स्कूटी पे ऐसे, तो कुछ लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक ही है, बस थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा लूँगी और बस फिर रेडी। तो मिलते हैं आपको फिर आगे, रास्ते में क्या होता है क्या नहीं वो आपको दिखाएंगे। तो सनस्क्रीन और कुछ नहीं। भी लगे ना मुझे दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लग है, नींद रातों की मेरी चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यू तग है, जब सांसे भरू मैं बंद आगे करू मैं नजर, तू यार आया, जब सांसे भरू मैं बंद आगे करू मैं नजर, तू यार आया, दिल को करार आया प्यारा, पल पल बार आया ओ यारा, दिल को करार आया तुझ पे प्यारा, पल पल बार आया ओ है। किसके साथ हो भाई? हमारे साथ नहीं हो? हाँ। नहीं, हम आपको अपने साथ नहीं लाए हैं। क्या नहीं, वो कम की बात नहीं है। आप चाय पी के बताना है मैम कैसे लगी। ठीक है, जो बनाया था मैगी, वो मैगी के नाम से नफरत हो गई है ना, ना मुझे तो। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं
वहाँ बहुत रश होता है, तो इसीलिए मैंने दिखाया नहीं आपको कि, लेकिन बहुत मतलब बंदा बड़ा सही है, जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि बहुत उसके हाथ में शिफा है और अच्छा लगता है। तो अब टाइम हो रहा है कुछ मेरे ख्याल से 4:30 के करीब कुछ हो रहा होगा, तो बस खाना किसी ने नहीं खाया था तो इसलिए हम रुके हैं ढाबे पे। सुकून वाली जगह, जगह बहुत अच्छी है, बहुत सुकून वाली जगह है, और ऐसी जगह मैं बहुत प्रेफर करती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सुकून हो, ज़्यादा पब्लिक ना हो, शोर शराबा ना हो, बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम यहाँ बैठे हैं अभी और बच्चे खा रहे हैं राजमा चावल, और मैंने ऑमलेट और ब्रेड मंगाया है और चाय मंगाई है, तो फिर बस ये करके निकलते हैं आगे। बोलो राजमा चावल देखते हैं बन रही है। राजमा चावल बिल्कुल ख़त्म हो गए, और अभी आया है मेरा ऑमलेट और ब्रेड, देख सकते हैं आप, तो लग तो यमी रहा है, तो चले खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ये हम खाएंगे ऐसे, सॉस आ जाएंगे गई मिर्ची मुँह में। मिर्ची फर्स्ट बाइट मिर्ची, खुली हवा में बैठ के चाय पीने का और इस तरीके से ऑमलेट खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। मुझे बहुत पसंद है ढाबा, मीन्स ढाबे पे खाना मुझे बहुत पसंद है, ऐसे खुली जगह हो, रोड हो, रोड साइड, बहुत अच्छा लगता है। चाय आइटम्स अच्छे ना हो लेकिन फिर भी एक फील आता है। तो अब हमारा जो भी है फिनिश, और अब सीधा घर की तरफ, और कहीं रुकूंगी, थोड़ा संडे है, घर में भी थोड़ा टाइम देंगे, आज पार्लर भी मैंने इसलिए बंद रखा है कि वही रूटीन फिर डेली डेली डेली, मतलब बंदा फिर एक दिन तो ब्रेक मिलना चाहिए ना, हम भी तो इंसान हैं। हम लोगों ने अभी कर लिया पेट पूजा और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ, और आपको मैं बता दूं कि जब भी अगर आप आते हो पंचग्रही की तरफ या जगती की तरफ तो आप ही देख लीजिए। आई लव जम्मू नया कैफे खुला है, और पर्सनली मैंने तो ब्रेड और ऑमलेट किया था लेकिन मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं पर्सनली खाना पसंद करती हूँ, मुझे वैसा मतलब अच्छा लगा, और चाय तो बच्चों की तो तारीफ करती, कह रहे लगे कि घर की चाय थी, तो फिर कोई बात ही नहीं, मतलब घर की चाय अगर बोलिए तो फिर क्या बात है। तो ऑमलेट भी जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बना था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ अगर कोई यहाँ से गुजरता है तो याद रखें कि आई लव जम्मू मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट ठीक है, हाँ यहाँ पर अच्छा है, इसका और मतलब और भी आइटम्स मेरे को रखनी है, तो प्लीज़ एक बार हर किसी को चांस देना चाहिए। तो मेरी तरफ से तो यहाँ पर जो
फाइव स्टार्स में से मैं दूंगी, फाइव सॉरी 4.5 स्टार्स मैं दूंगी। तो अभी निकलते हैं घर की तरफ। मेरी ग्लव्स क्या है बता नहीं, देखो ना ग्लव्स किसने देखे थे लास्ट टाइम हमने टोपी में रखे थे, टोपी में देखे थे टोपी में। हाँ अरे टोपी मैंने पहनी हुई है। देखो देखो आपने बात करते हुए चढ़ा ली होगी। ओह माय गॉड फ्रेंड्स देखो शाबाश, जवाब हो गया कि मैंने ग्लव्स टोपी के अंदर और ऐसे ही पहन लिया, मुझे पता ही नहीं चला और मैं ग्लव्स ले ली। खाली हो चुकी है, अब मैं टोपी पहन रही हूँ और देख लो कुछ तो नहीं। हाँ ठीक है बस अब हम बाद जो बैड न्यूज़ मुझे सुनने को मिली ना, मैं क्या बताऊँ आपको कि पावर का जो है सप्लाई वो बंद कर दिया गया है ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में, ये तो सबको पता होगा ही। तो ठंड इतनी थी ना, इतनी थी, ये देखो अम्मा इसको इतनी ठंड लग रही है कि पूरा मैंने लपेट दिया क्योंकि हीटर बंद और सब कुछ बंद। तो जैसे मैं मतलब मुझे छज्जे से ठंड लग रही थी ना, तो इस बेचारे को भी ठंड वैसे ही लग रही थी। देखो इसको कितना अम्मा बना दिया, अब देखो ये आराम से बैठी है, देखा आपने, ये हज करके आई है बिल्ली। कहावत तो आपने सुनी होगी, 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, चली नहीं ये करके आई है। देखो अम्मा बिल्कुल हिजाब हिजाब करके बैठी है, देखिए आप, देखो कैसी लग रही है मेरी बिल्ली बताना जरा। इसके लिए तो कमेंट जरूर करना कि बताना मेरी बिल्ली कैसे लग रही है, देखो कितनी मासूम सी, देखो और ये मुर्गियों की टांगे नहीं छोड़ती कच्ची खा जाते हैं लोग, और कितनी मासूम है, ओहो हो मासूम सी बिल्ली। कैमरे को बराबर, कैमरा बराबर फेस करेगी, कैमरे में देखो ना अम्मा जी, कैमरे में देखो ना अम्मा जी, ठंडी लगी बच्ची को, ठंडी लगी बच्ची को, ठंडी लगी। ओहो हो तो अब मुझे भी ठंड लग रही है। बस ये और मैं, जैसे इसने बांध लिया वैसे मैं भी बांध के बैठ जाती हूँ एक कोने में बा।